रीवा जिले के मऊगंज वार्ड क्रमांक 3 स्थित बरसों से बंद पड़ा ट्रांसफार्मर पुलिस की मौजूदगी में चालू कराया गया। यह ट्रांसफार्मर 2 वर्ष पूर्व मऊगंज के क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल के प्रयासों से लगवाया गया था, पर राजू सिंह सेंगर नामक एक नेता बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी देकर चालू नहीं होने दे रहा था। आज ट्रांसफार्मर चालू करने गए कर्मचारियों के साथ तथाकथित नेता अभद्रता करने लगे, जिसकी वजह से पुलिस बुलाना पड़ा। पुलिस को देखते ही राजू सिंह भाग खड़े हुए। पुलिस की मौजूदगी में ट्रांसफार्मर चालू किया गया। राजू सिंह सेगर उसी ट्रांसफार्मर के समीप सरकारी जमीन में कब्जा करते हुए एक टपरानुमा गोमती में दुकान संचालित करता है। ट्रांसफार्मर चालू होने से गोमती प्रभावित हो रही है। नगर वासियों ने क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल से लो वोल्टेज की शिकायत किया था, जिसमें प्रदीप पटेल ने वार्ड वासियों को ट्रांसफार्मर चालू कराकर दीपावली के अवसर पर नायाब तोहफा दिया। ट्रांसफार्मर चालू हो जाने से राम कुमार शुक्ला, लालू शुक्ला सहित वार्ड वासियों ने विधायक प्रदीप पटेल को धन्यवाद ज्ञापित किया है। माननीय प्रदीप पटेल जी के महोदय की मेहनत के बाद ये ट्रांसफार्मर लगा। जब लगा था 2 साल से पड़ा है, विधायक जी दीपावली का अवसर था तो चाहे किसको चालू करा दे, दीपावली सामने है तो प्रयास करिए। और हमारे राजू सिंह हैं, जानते हैं कि कांग्रेस जिला महामंत्री मानते हैं, हम तो मानते नहीं हैं। और कर्मचारियों को हमारे गाली गुप्ता जी है। और अभद्रता की बात की है, माननीय TI साहब हमारी आई, डी साहब आए, बोले यहाँ से ट्रांसफार्मर उखाड़ के उस पार गाड़ो, यहाँ करो वो करो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सरकारी संपत्ति है, शासन की संपत्ति है। अब मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदीप पटेल जी को कि आपने बहुत अच्छा काम किया, जो ट्रांसफार्मर लगवा दिया। वार्ड नंबर 3 का उद्धार हो गया, वेटनरी हॉस्पिटल का हो गया। अब ये काम बहुत दिन से रुका हुआ था। देखिए, ये दो ढाई साल से ये काम नहीं हो पा रहा था। सर्वे हो गया था, ट्रांसफार्मर बैठ गया था और कुछ लोग रोक रहे थे इसको, जिसका कोई मतलब नहीं था। सरकारी जमीन थी, पर हो गया। लोगों का अपना विचार होता है, उनका कोई बड़ा नुकसान भी नहीं था जो लोग रोक रहे थे, और उन्हीं की वजह से रुका था। फिर इसमें थोड़ा विधायक जी ने भी प्रयास, मतलब थोड़ा सा हाल लगाया, उनने इस चीज़ को समझा और इसके बाद उन्होंने मदद की। अब उनकी वजह से मतलब क्या हुआ कि 3 नंबर वार्ड में वोल्टेज की समस्या का निदान हो जाएगा, ये बात है। अब एक हुई ये समस्या का हल हो जाएगा। आने के पहले कुछ बातचीत हुई थी, वो ठेकेदार लोग बताए थे। अब ये वो बताएंगे किस तरह की बातचीत, लेकिन जैसे ही हम इधर से निकले, हमारा व्रत था तो मैं चाय पीने आया था घर, इधर ही चूँकि सामने मेरा घर है वेटनरी के ठीक बगल में, तो हम चाय पी के लौटे तो ऐसे ही हम रुक गए। वैसे ही और रुक गए तो वहाँ पे ये सब बात हो रही थी, तो फिर हम बोले कि थोड़ा सा रुक ही जाना अच्छा। फिर वो विधायक प्रतिनिधि वगैरह जी थे, आ गए थे, तो ये हुआ कि भाई ये नहीं जाने देंगे। कुछ लोगों ने रोकना का प्रयास किया, तो फिर विधायक जी से बात हुई, उन्होंने पुलिस भेजा और इसके बाद स्थिति का जायजा लिया उनके माध्यम से, पुलिस वालों के, सबके माध्यम से। और जो वास्तविकता थी उसके हिसाब से काम हुआ और लाइन कंप्लीट कर दी गई। संभवतः थोड़ा बहुत टाइम है और कंप्लीट हो जाएगी आज।